नमस्कार, एनसीईआरटी के इस इंटरैक्टिव कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं हूं सिमरन सिंह और दर्शकों, आप जानते हैं कि आप हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएम ई विद्या चैनल्स के माध्यम से। साथ ही हमारा आधिकारिक यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी ऑफिशियल। एक बार पुनः अपने सभी दर्शकों का हम स्वागत करना चाहेंगे 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला में, जिसमें हम बात कर रहे हैं मुक्त शैक्षिक संसाधन यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज और उनके लाइसेंसेस के अंतर्गत। आज ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण श्रृंखला का 5वां यानी अंतिम दिन है, जिसमें हमारी चर्चा का विषय रहेगा मुक्त शैक्षिक संसाधनों यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के डेटा संग्रह कोष। इसके बारे में अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ चर्चा में एक मेहमान भी उपस्थित हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। पर दर्शकों, उससे पहले आपको बता दें, यदि आपके ऐसे कोई भी सवाल हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप सभी की स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश किया जा रहा है 8800440559। एक आधिकारिक ईमेल आईडी भी है जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं training.helpdesk@cied.nic.in। एक बार पुनः अपनी स्क्रीन पर रुक करते हैं और सीआईईटी के वेब पेज के बारे में और हमारी इस प्रशिक्षण श्रृंखला के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीआईईटी का आधिकारिक वेब पेज वेबसाइट जो है वो है cieet.ncert.gov.in। यहाँ पर आपके लिए बहुत से विकल्प दिए गए हैं। यदि आप इस ट्रेनिंग सेगमेंट के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें हम मुक्त शैक्षिक संसाधनों की बात कर रहे हैं, तो आप एक्टिविटीज़ पर क्लिक करेंगे, वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 22 जुलाई को हमने अपनी इस प्रशिक्षण श्रृंखला की शुरुआत की थी और आज यानी 26 जुलाई को हम इसको कंक्लूड करेंगे। और दर्शकों, यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक विस्तृत रूपरेखा नज़र आएगी हमारे विभिन्न कार्यक्रमों की, और आप सभी के लिए एक मूल्यांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक गतिविधि है आपके लिए, तो कौन भाग ले सकता है इसमें, चाहे आप विद्यार्थी हैं, शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक हैं, अभिभावक, प्रशासक, आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये कार्यक्रम की एक विस्तृत अनुसूची है आप सभी के लिए, जिसमें पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक यानी अंतिम दिन तक प्रस्तुति का लिंक, साथ ही बैनर्स के लिंक, हमारी वीडियोस के लिंक्स भी आपके लिए अपलोड किए गए हैं, जिसमें आप अपनी मर्जी से सत्र का शीर्षक पढ़ के अलग अलग सत्र अटेंड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर विशेषज्ञों के नाम भी आपके साथ साझा किए गए हैं। तो दर्शकों, आप कैसे भाग ले सकते हैं, इसके कई महत्वपूर्ण चरण हैं, चलिए इनकी ओर एक बार रुक कर लेते हैं। पहला चरण है पंजीकरण। खुद को रजिस्टर करवाने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को आप सभी स्कैन कर सकते हैं। दूसरा चरण, आप सब जानते हैं कि आप हमारे लाइव सत्र देखें, इनके विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। और तीसरा चरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान से सुनिएगा। तीसरा चरण है ऑनलाइन पाठ्यक्रम में नामांकन करना, सत्रोत्तर गतिविधि में भाग लेना और प्रमाण पत्र प्राप्त करना। आप सब जानते हैं कि दीक्षा पोर्टल पर प्रारंभ होने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। पाठ्यक्रम का लिंक प्रशिक्षण के अंतिम दिन यानी आज शाम 7 बजे तक इवेंट्स पेज पर अपडेट कर दिया जाएगा। ये पाठ्यक्रम 30 मार्च 2025 तक चलेगा और पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं आप, और सभी 5 वीडियोस देखना ज़रूरी है। अंतिम मूल्यांकन में आप भाग ले सकते हैं और आप केवल 3 बार मूल्यांकन का प्रयास कर सकते हैं, यानी 3 बार आप इस गतिविधि में प्रयास कर सकते हैं। और यदि 70% या उससे अधिक अंक आप प्राप्त करते हैं तो अपने दीक्षा प्रोफाइल पृष्ठ से ही अपना प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं, और प्रमाण पत्र मिलने में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। दर्शकों, चौथा चरण जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएँ, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी स्क्रीन पर हमारा लिंक दिया गया है या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सभी अपना फीडबैक हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज ये जो 5वां दिन है इस प्रशिक्षण श्रृंखला का, इसमें हम बात कर रहे हैं मुक्त शैक्षिक संसाधनों के डेटा संग्रह कोष के बारे में। तो इसी पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ी हैं मिस सुषुम्ना राव ताड़ीनाड़ा जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। नमस्कार जी। साथ ही हम अपने दर्शकों के साथ आपका परिचय करवाना चाहेंगे। आप OER एडवोकेट और स्वतंत्र एडटेक सलाहकार हैं। तो दर्शकों, अपने सभी सवाल तैयार रखिएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाबों को अपने इन सत्रों में ज़रूर शामिल करें। तो मैम, आज हम क्या कुछ जानने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं अपने इस ट्रेनिंग सेगमेंट के अंतिम दिन में, आप हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करें। हाँ ज़रूर, आज के ये वेबिनार में ना अंत तक जिस प्रकार के ये जो चल रहा है पिछले 4 दिन से OER के बारे में, लाइसेंसेस के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बहुत रिकैप, और उसके साथ ये जो
आपने बताया दिया कि डेटा संग्रह कोश यानी कि रिपोजिटरी, वो ईआर के मुख्य शैक्षिक साधनों का रिपोजिटरी जो होता है, ये रिपोजिटरी क्या होता है, किस प्रकार के रिपोजिटरीज होते हैं, उसको कैसे शोध करके ओईआर को इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग में, ये सब की जानकारी होगी ये वेबिनार में। बिल्कुल तो मैम, हम इसकी शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि पिछले 4 दिन से ओईआर के बारे में तो आप बहुत कुछ जानकारी की गई है, जैसे कि ओईआर क्या होता है, जैसे कि ये मुक्त शैक्षिक संसाधन क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि वो कोई पाठ्य पुस्तक हो या कोई वीडियो हो, स्ट्रीमिंग वीडियो हो, या कोई मल्टीमीडिया के साधनाएं, या कोई किस प्रकार आजकल के पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, आर्टिकल्स भी हो रहे हैं, अगर ऐसे शैक्षिक संसाधन अगर ओपनली लाइसेंस्ड हो तो ये कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो लाइसेंस के बारे में भी आपको जानकारी दी गई है, जैसे कि क्रिएटिव कॉमन्स के लाइसेंस के, एक एक बार हम ये पुनरावर्तन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे रिपोजिटरी के पास। ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस ये जो होते हैं संक्षेप में हम सीसी कहते हैं, अनेकों सार्वजनिक कॉपीराइट लाइसेंसेस में से एक है, जो कुछ कृतियों को ऐसे कि उन्मुक्त और निःशुल्क वितरण की स्वतंत्रता देता है, जिसके बिना वे भी कार्य कॉपीराइट युक्त होते। यहाँ कृति यानी कि अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा रचित कोई भी रचनात्मक वस्तु हो सकती है, जैसे कि हम बात किए थे यह कोई पाठ्य पुस्तक हो सकता है, या कोई असेसमेंट की स्ट्रैटेजी हो सकती है, या कोई टूल हो सकते हैं, कोई भी ये शैक्षिक संसाधनों में कुछ भी हो सकता है जिसको जिसके साथ ये अगर ओपन लाइसेंस जुड़ा हुआ तो वो लाइसेंस को देखते ही हमको पता चल जाए कि ये किस प्रकार के यूटिलाइजेशन उसको कर सकते हैं हम। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि तरह तरह के क्रिएटिव कॉमन्स के लाइसेंसेस, जैसे कि आप सीसी बाय से लेके सीसी बाय एनसीएनडी तक, ये जो लाइसेंसेस के बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। सीसी यानी कि क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के संक्षेप में हम सीसी बोलते हैं। अगर आप इसके ये जो आप ये सूचित देख रहे हैं कि लाइसेंसेस के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, ये बाय यानी कि एट्रीब्यूशन को एट्रीब्यूशन तो ज़रूर देना पड़ता है अगर आप कोई भी ओपनली लाइसेंस्ड क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के साथ जुड़े हुए कोई भी उपकरणों का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, वही सीसी है वो। और इसके बाद हम पता करेंगे बाय के पर, बाय यानी एट्रीब्यूशन, और उसके बाद है एस ए यानी कि शेयर अलाइक, जैसे है वैसे ही यूज़ कर सकते हैं वो उपकरणों को, संसाधनों को। और एक है एनसी यानी कि नॉन कमर्शियल के तौर पे हम वो संसाधनों को यूज़ कर सकते हैं, और एक है एनडी यानी कि नॉन डेरिवेटिव। जैसे पहले जो लाइसेंसेस है सीसी बाय हो या सीसी बाय एसए हो, सीसी बाय एनसी हो, ये सब संसाधनों को, शैक्षिक संसाधनों को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आपको फिर वो रिपर्पस करके कुछ नया भी बना सकते हैं। लेकिन जब ये एनडी के रूप में जो अगर कोई उपलब्ध हो, कोई उपकरण नॉन डेरिवेटिव के तरह के कोई कुछ ओईआर हो, उसको आप ऐसा कि कुछ नया कुछ नहीं बना सकते हैं, जैसा है वैसे ही वितरण कर सकते हो आप, वो है नॉन डेरिवेटिव है। जैसे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट लाइसेंसेस हियर, इतना मोर रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस जो है सीसी बाय एनसी एनडी हो सकता है वो, यानी कि नॉन कमर्शियल यूसेज है और कुछ आप नया कुछ बना नहीं सकते हैं एनडी, अगर वो कोई उपकरण ऐसे लाइसेंस में हमको मिले तो। बाकी सब जो है सीसी बाय हो, सीसी बाय एसए हो, सीसी बाय एनसी हो, अगर एनसी है तो नॉन कमर्शियल की तरह आप रीमिक्स करके कुछ नया भी बना सकते हो वो मटेरियल्स को। आज के ये वेबिनार में हम इसके बारे में जान सकेंगे कि ये सब कुछ है, कुछ होते हैं एक रिपोजिटरी के तरह, एक कोश के तरह, एक भंडार में निक्षिप्त होते हैं, उसको कैसे जांच लें, कैसे खोज करें, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब अभी हम जान लेंगे। पहले हम जानेंगे रिपोजिटरी क्या होता है।
कोई भी OER के रिपोजिटरी क्या होता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं OER के रिपोजिटरी के बारे में, खाली रिपोजिटरी के बारे में नहीं, OER ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं उसके भंडार, उसके कोष क्या होता है, कुछ स्वतंत्र रूप से सुलभ शैक्षिक संसाधनों का एक बड़ा संग्रह होता है, वो वेरियस विषयों के और ग्रेड के तरह तरह के मटेरियल्स, जो संसाधन जो है यहाँ पे समयोजित करके हमको एक एक प्लेस में, सेंट्रलाइज्ड प्लेस में हमको मिलता है। ये रिपोजिटरीज हो सकता है कोई औत्साहिक लोग, कोई OER के उत्साही लोग जो होते हैं उसके द्वारा पेश किया गया एक भंडार हो सकता है, नहीं तो कोई इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी हो सकता है, कोई भी अगर गवर्नमेंट एजेंसी के साथ बनाया हुआ कुछ उपकरणों, शैक्षिक साधनों का पूरा एक रूप में हमको मिल सकता है, कुछ ओपन लाइसेंस के साथ, जिसको हम देखते हुए, उसके लाइसेंस को देखते ही हमको पता चल जाएगा कि वो भंडार में जो है, जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है, वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर वो CC BY के साथ हो तो खाली एट्रिब्यूशन देके वो हम यूज़ कर सकते हैं वो संसाधन को, आप कुछ नया भी बनवा सकते हैं। अगर वो CC BY SA हो, शेयर अलाइक लाइसेंस हो, अगर आप कुछ नया बना रहे हो वो उपकरणों को लेके, तो आपको फिर से CC BY SA से ही रिलीज करना पड़ता है। अगर आप एक कुछ OER ऐसे आपने ढूंढ लिया एक कोश में, सबको मिलके आपको यूज करना है, तो वो भी ये लाइसेंसेस के कंपैटिबिलिटी चार्ट को देख के आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी अभी हमको पता चला कि ये जो रिपोजिटरीज जो है, कुछ ऐसा पर्सनल, कुछ औत्साहिक लोग जो होते हैं, OER एडवोकेट्स जो होते हैं, वो भी एक भंडार बना के वितरण कर सकते हैं, नहीं तो कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा तैयार किया गया भंडार हो सकता है, जिसका अगर हम एग्जाम्पल्स लिए तो वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये हमारा गुड एग्जाम्पल है एक भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक पहल है दीक्षा प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यहाँ पे आपको कई तरह के K-12 के एजुकेशनल रिसोर्सेस मिलते हैं, वो भी ओपन लाइसेंस के साथ। अंत में हम देखेंगे ये सब प्लेटफॉर्म्स में ये कैसा लाइसेंस दी गई है, वो क्या वो मेंशन किया गया है, वो क्या कर सकते हैं हम, अगर वो मटेरियल को हम लेंगे तो कैसे उपयोग कर सकते हैं वो भी देख लेंगे। और एक एग्जाम्पल है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, ये जो है स्वयं, ये जो UG और PG का जो कोर्सेस है, मटेरियल है, रिसोर्सेस है, वो सब इसके द्वारा हमको उपलब्ध है। इसमें कुछ कोर्सेस ऐसे हैं कि खाली रिसोर्सेस ही OER के लाइसेंस, ओपन लाइसेंस के साथ जुड़े हुए नहीं, पूरा एंटायर कोर्स भी हमको मिल सकता है, जैसे कि कोई भी चाहे तो वहाँ जाके वो कोर्स में एनरोल करके अगर एग्जाम लिखे तो वो उसका प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। और एक है EPG पाठशाला है, वो है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के पहल में वो कैसे यूज कर सकते हैं संसाधन, शैक्षिक संसाधन, वो सब है EPG पाठशाला में। और एक है ई अध्ययन, और एक है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये सब एग्जाम्पल्स है जैसे कि सरकार के द्वारा बनाया गया हुआ है। और कुछ है ग्लोबली, ये जो रिपोजिटरीज जो होते हैं खाली कुछ एक जियोग्राफिकल एरिया को कंस्ट्रक्ट नहीं करता है, जैसे कि अभी हम इंटरनेट में शेयर कर रहे हैं, यानी कि ग्लोबली एवरीबडी कैन एक्सेस, सब कुछ सबको अवेलेबल हो सकता है। OER का डेफिनेशन में ही हमको पता चल जाता है वो ओपनली अवेलेबल है, मटेरियल है, कुछ निःशुल्क, कोई कुछ शुल्क नहीं देना पड़ता है, बस हमको वो लाइसेंस को देख के यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी हो इंटरनेट में, कहीं पे भी ये भंडार में जो निक्षिप्त है उसको खोज के हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि और कुछ एग्जाम्पल्स है K-12 के जूनियर विकी बुक्स करके एक है, और एक है विकी मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ हमको मिलता है डिफरेंट तरह, कई कई तरह के मीडिया जो होता है वो विकी मीडिया कॉमन्स में जाके आप ढूंढ कर सकते हो, ओपनली लाइसेंस्ड
मटेरियल्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स हमको विकीमीडिया कॉमन्स में मिलता है, और विकी बुक्स में, स्पेशली विकी जूनियर बुक्स में, जो जूनियर्स को जो ये हम यूज़ कर सकते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग में, वहाँ पे आप ढूंढ सकते हो कई कई तरह के, यानी कि प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल तक, उसमें जो भी शैक्षिक संसाधन है वो आपको मिल सकता है। अगर वो लाइसेंस को दे के, अगर आपको फिर से कुछ आप लोकलाइज करना चाहते हो, जैसे कि आपके छात्रों को कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको कुछ मॉडिफाई करके आपके छात्रों को देना चाहते हैं, तो वो लाइसेंस को दे के आप उसको पुनर् यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही OER कॉमन्स करके और एक प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको मिल जाएगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, खुले शैक्षिक संसाधनों की एक सार्वजनिक डिजिटल लाइब्रेरी है। पाठ्यक्रम को बेहतर बना सकते हो वहाँ लेके, और दुनिया भर के शिक्षक के साथ आप शेयर कर सकते हो, अन्वेषण कर सकते हो, खोज कर सकते हो। और बेहतर बात यह है कि वहाँ पे OER कॉमन्स ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे OER का निर्माण भी कर सकते हो और सहयोग करके निर्माण भी कर सकते हो, यानी कि कोलैबोरेट करके भी OER को वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म में डायरेक्टली आप डेवलप कर सकते हो OER को। इसलिए वो OER कॉमन्स, अगर आप साइट देख तो ऐसा लिखा जाता है, अन्वेषण करिए, सृजन करिए, सहयोग करिए, यानी कि आप खोज कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो और आप कोलैबोरेट करके निर्माण भी कर सकते हो। यानी कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ रिपोजिटरीज ऐसे भी होते हैं, वहाँ पे आपको ये ऑथरिंग प्लेटफॉर्म भी मिलता है, यानी कि आप वहां जाके खुद से OER को निर्माण भी कर सकते हो। एक एग्जाम्पल है ये OER कॉमन्स, और एक है मरलॉट। या ये मरलॉट सिस्टम जो होता है, एक साइट जो होता है, वो क्यूरेटेड ऑनलाइन लर्निंग एंड सपोर्ट मटेरियल्स जो होता है, यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन भी आप कर सकते हो। और आप ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, यानी कि कोई एजुकेटर्स हो, लर्नर्स हो, रिसर्चर्स हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ, वो आप शेयर कर सकते हो। यानी कि तरह तरह के मटेरियल्स, तरह तरह के रिसोर्सेस का भंडार है ये सब एग्जाम्पल्स, OER कॉमन्स हो या कॉल कॉमन्स हो, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कॉमन्स। यहाँ पे जो आपको मिलता है कई तरह के फ्री कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस, अगर आप कंप्लीट करें तो सेल्फ पेस्ड कोर्सेस होते हैं वो, और करें तो आपको प्रमाण पत्र भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको OER के बारे में और जानकारी चाहिए, नहीं तो कोई माइक्रो टीचिंग के बारे में जानकारी चाहिए, वही कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का कॉमन्स में कॉल कॉमन्स जो साइट है, जो भंडार है, वो फ्री कोर्सेस का वहाँ जाके आप खोज कर सकते हो। और एक है ओपन टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी, यानी कि यहाँ पे पूरे ओपन टेक्स्ट बुक्स, यानी कि वो ओपनली लाइसेंस्ड टेक्स्ट बुक्स, तरह तरह के टेक्स्ट बुक्स, तरह तरह के डिपार्टमेंट के, स्कूल्स के बुक्स वहाँ पे हमको मिल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल एजुकेशन, अगर इस्तेमाल के बारे में बात करें तो हम ये जो भंडार है, ये जो खोज है, वहाँ से लेके हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, कभी कभी ये भी हो सकता है कि क्या वो कुछ ओपन टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी में, राइस यूनिवर्सिटी के ओपन स्टैक्स जो है, वहाँ पे कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक्स भी है जो स्कूल के टेक्स्ट, स्कूल के माध्यम, अगर शैक्षिक संसाधन को इस तरह यूज़ भी कर सकते हो कुछ। और कुछ ऐसे भी होते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया था एक वेबिनार में, कि ये जो दीक्षा में जो अवेलेबल है ओपन लाइसेंस के साथ कुछ मटेरियल, डिजिटल टेक्स्ट बुक है, वो ऐसा रीडिंग मटेरियल जैसा दिया गया था एक प्री सर्विस टीचर्स के कोर्स में। ऐसे भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आप जाके वहाँ पे वो खोज करके ये भंडार से आप यूज भी कर सकते हो। ऐसे ही है लिबरेट टेक्स्ट करके, और एक है सिमुलेशंस के लिए, साइंस सिमुलेशंस के लिए, फैट करके, कोलोराडो यूनिवर्सिटी का फैट सिमुलेशंस है, वो बहुत अच्छी एक भंडार है, एक कोश है, वो जहाँ जाके आप HTML5 में जो सिमुलेशंस है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप और एक
ये भी है, सुझाव है, वहाँ पर फेड सिमुलेशन के प्लेटफॉर्म जो होता है वहाँ पे जाके आप फ्रीली रजिस्टर करके आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो। अभी थोड़े स्लाइड्स के बाद हम आपको डेमो भी करेंगे, अगर हिंदी में भी अवेलेबल है हम देख सकते हैं। कई रीजनल हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में भी कुछ औत्साहिक लोग जो है वहाँ पे रजिस्टर होके वो उसको तर्जुमा कर रहे हैं, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं फेड सिमुलेशंस को। और एक है स्किल्स कॉमन्स, अगर आप स्किल्स को ही वोकेशनल स्किल्स का कुछ मटेरियल चाहिए, कोर्सेज चाहिए, तो ओपनली लाइसेंस्ड मटेरियल आपको खोजना है तो वो सब एक प्लेस में उपलब्ध है, एक भंडार है स्किल्स कॉमन्स। और जैसे बहुत सारे ऐसे हमको भंडार मिलेंगे, जैसे रिपोजिटरीज बहुत सारे हैं, ये खाली कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बहुत कुछ एग्जाम्पल, वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवेन हियर लाइक दिस। देर आर मेनी रिपोजिटरीज आर देर जहाँ आप जाके OER को अन्वेषण कर सकते हैं, सुजान कर सकते हैं और सहयोग करके उसको बिल्ड भी, निर्माण भी कर सकते हो। कभी कभी आप जो किसी और का बनाया हुआ ओपन टेक्स्ट बुक जो है उसको आप पियर रिव्यू, आप रिव्यू करके, नहीं तो आप फिर से इस्तेमाल करना है आपके छात्रों को, अगर आपको मॉडिफाई करके आपके विद्यार्थियों के साथ शेयर करना हो वो भी करने की सौलभ्य मिलता है कुछ प्लेटफॉर्म्स में, कुछ रिपॉजिटरीज के प्लेटफॉर्म से। अगर हम ये OER के बारे में जो बात हो रही है पिछले 2 डेकेड से, लेकिन लेकिन उसकी जो सौलभ्य है जो अच्छे से दिखाया गया है ये पैंडेमिक के दौरान, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और रिपॉजिटरीज जो है मोस्ट एक्सेस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि हमको जो विपत्ति के बारे में हमको सबको पता है कि हम इंस्टीट्यूशंस तो क्लोज है, जा भी नहीं सकते हैं, एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं टेक्स्ट बुक्स को या कोई भी संसाधन, शैक्षिक संसाधन को हम यूज़ करने के मौका भी नहीं था तब। और एक बात यह है कि इमरजेंसी रिमोट टीचिंग का जो आया था वो समय पर, जब हमको चाहिए था ये डिजिटल मटेरियल, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज जो चाहिए था वो, तो जो मिला था वो सब है ये ओपन रिपॉजिटरीज से लेके। ये एक एग्जाम्पल्स है जैसे कि कोई कई तरह के ये जो रिपॉजिटरीज कैसे एक्सेस किए हैं ये पैंडेमिक के दौरान। चलिए अगर हम ये रिपॉजिटरी के बारे में, अगर OER तक पहुंचने में रिपॉजिटरी की भूमिका क्या होती है, पहली बात ये है कि वहाँ पे जाके आप अन्वेषण कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और डिस्कवर करके उसको ओपनली लाइसेंस्ड कंटेंट को अगर पेयर रिव्यू भी करके आप यूज कर सकते हो। यानी कि वो ऐसा भी सपोर्ट करता है कि जैसा अभी अभी हमने बात किया है वहाँ जाके आप सहयोग करके निर्माण भी कर सकते हो, यानी कि ओपन कंटेंट को बिल्ड करके ओपन लाइसेंसिंग ऑथरिंग भी हमको देता है ये रिपॉजिटरी। तो ये एक रिप, अगर ये सब एक रिपोजिटरी में निक्षिप्त है तो जाके खोजना भी बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि अभी हम बात करेंगे दीक्षा के बारे में, अगर हम सोचें दीक्षा, अगर दीक्षा प्लेटफॉर्म हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये K-12 के यानी कि स्कूल के जो भी शैक्षिक संसाधन है, या कोई वीडियो हो या कोई टेक्स्ट बुक हो या कोई असेसमेंट टूल हो, जो गाइड हो, आपको मिल सकता है ये दीक्षा के प्लेटफॉर्म में। ये वो भंडार जो है वो रिपॉजिटरी में जैसा हम देख सकते हैं दीक्षा को, जैसे ही EPG पाठशाला को अगर आप PG के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन ये जो रिपॉजिटरी में जो अन्वेषण करना है, ये खोजना है OER, OER तक कैसे पहुंचते हैं, ये पहलू में हम बात कर सकते हैं 3 स्टेप्स को। पहले आपको देखना है, पहले आपको पहचानना है कि आपको किस प्रकार के चीज़ को, कौन से टॉपिक को आप सर्च कर रहे हो, वो कीवर्ड जो होता है ये, उसको आपको ये कीवर्ड्स को पहले नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल यू आर टीचिंग अंक गणित, अगर आप गणित के टीचर हो तो अंक गणित आप बोल रहे हो, नहीं तो लैंग्वेज के टीचर हो, अगर आप प्री स्कूल में लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, नहीं तो A to Z तक जो आपको एक चार्ट बनानी है, नहीं तो कोई भी ऐसे प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करनी है, जैसे कि असेसमेंट इसके बारे में देना है। लेकिन अगर कोई भी दुनिया में कई तरह के टीचर्स ऐसे ओपन लाइसेंस के साथ ऐसे संसाधन को ऑलरेडी शेयर किया गया है,
लेकिन आपको क्या सर्च करना है पहले वो क्लियर रहना है माइंड में, वो कीवर्ड जो है वो आपको लिखना पड़ेगा एक एक नोट पैड में, और इसके बाद जाके ये रिपोजिटरीज में डायरेक्टली आप खोज कर सकते हो, नहीं तो ब्राउज़र में जाके एडवांस्ड सर्च ऑप्शंस को लेके अगर अवेलेबल हो तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो ओपनली लाइसेंस्ड मटेरियल, फिर सर्च कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना है कि ये सर्चिंग जो है, ये अन्वेषण जो है, ये OER के लिए इंटरनेट में ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है। बस एक बार खोज लिया हमको नहीं मिला तो ये नहीं है, ऐसा आप कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हो, बार बार आपको एक बार खोजना पड़ता है। अगर रियली नहीं मिला है तो हमको OER को एडवोकेट बन के उसके बारे में सबको जानकारी दे के और आप OER खुद बनाना चाहिए, और इंडिया में इसकी आवश्यकता बहुत है, और ऐसे संसाधन भी हमको बहुत मिल रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन हमको चाहिए था रीजनल लैंग्वेजेस में। कभी 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 ऐसा भी हो सकता है कि हमको कुछ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में इतना अच्छा संसाधन मिल रहा है वहाँ पर, लेकिन वो सब इंग्लिश में है। अगर वो कॉपीराइटेड मटेरियल हो तो आपको वो जो ओनर है, वो कॉपीराइट होल्डर जो है, उसको जाके आपको रिक्वेस्ट करना है, ये सब बहुत बढ़िया एक प्रोसेस होता है। अगर ऐसे संसाधन इंग्लिश में ऑलरेडी मुफ्त में आपको मिल रहा है, ओपनली लाइसेंस्ड हो, तो वो आप लाइसेंस को देख के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो समझ कर उसको आप फिर ट्रांसलेट करके आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, बस लाइसेंस को देख के हमको समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर आप जब सर्च कर रहे हो, ये भंडार में रिपोजिटरी में आप सर्च कर रहे हो, ये कोश में सर्च कर रहे हो, या नहीं तो डायरेक्टली ब्राउज़र से सर्च कर रहे हो, कोई भी तरीका हो, लेकिन आपको ज़रूर मूल्यांकन करना पड़ता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है जो आपको सर्च रिजल्ट्स जो आया है, आपको जाके देखना पड़ेगा, वो लाइसेंस डीड को पढ़ना पड़ेगा एक बार, कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये हमारे छात्रों को, हमारे विद्यार्थियों को ये यूज़ होगा कि नहीं होगा, वो अप टू डेट है कि नहीं, अगर आप वीडियो को अगर आप वीडियो को ढूंढ रहे हो, आपको वीडियो मिल गया है, लेकिन वो वीडियो एक्सेसिबल है कि नहीं, यानी कि कोई दिव्यांगन यूज़ कर रहे हो तो उसको इसके लिए यूजबल है कि नहीं, वो भी देखना पड़ता है कि ऐसे सबटाइटल्स हो, जैसे कि आपको कैप्शंस हो, वो सब उपलब्ध है कि नहीं, वो भी देखना पड़ता है। और एक बात है, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ग्लिच नहीं होना चाहिए, वो वीडियो जो है अगर आप प्राप्त कर रहे हो, वो ओपनली लाइसेंस्ड वीडियो जो है वो क्लियर होना चाहिए, ये सब इवैल्यूएट करना पड़ता है। और नॉट ओनली दैट, आपको ये भी मैच करना होगा, आपके जो लाइसेंस, आपके जो ओपनली लाइसेंस्ड मटेरियल जो आपने खोजा है, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो आपके क्लास के, उससे मिलजुल रहा है, उससे आप अलाइन हो रहा है, वो भी देखना पड़ता है। जैसे कि बहुत तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन चेकलिस्ट भी ऑनलाइन में अवेलेबल है, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव प्रोड्यूस्ड डिफरेंट वेरियस वैरायटीज ऑफ इवैल्यूएशन चेकलिस्ट। अगर आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूशन में आप OER एम्बेसडर हो, आप खुद चर्चा करके आप टीचर से लेके एक इवैल्यूएशन चेकलिस्ट आप भी बना सकते हो। तो अगर आप ढूंढेंगे ये रिपोजिटरीज में कुछ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, तो आप वो इवैल्यूएशन चेकलिस्ट से मैच करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, राइट साइड है एक OER कॉमन्स के साइट का स्क्रीनशॉट और नीचे है दीक्षा का। हम ये सब अभी देख लेंगे, उससे पहले हम कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी अगर व्यूअर्स के साथ पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो पहले वो आंसर करके हम कुछ डेमो में जाएंगे। तो सिमरन जी, कोई क्वेश्चंस है वहाँ पर या कोई मैम इसी तरह का एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब हम OER को कलेक्शन में यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें क्या एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल होता है? जी वो अब अच्छा ऑडिबल नहीं है, और एक बार आप पूछ सकते हैं। जी जब हम OER को कलेक्शन में यूज़ करते हैं तो उसमें जब हम एट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो किस तरह के एट्रीब्यूट्स उसमें इस्तेमाल होते हैं? हाँ
हाँ जी, जैसे हम बोल रहे थे कोई भी ओपनली लाइसेंस्ड मटेरियल हो, स्पेशली क्रिएटिव कॉमन्स के हो, तो एट्रिब्यूशन तो ज़रूरी ही है। अगर कलेक्शन में आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि एग्जाम्पल, कलेक्शन की एग्जाम्पल क्या होता है, एक रिपोजिटरी ने तो एक टेक्स्ट बुक है जहाँ आपने सब ओपनली लाइसेंस्ड मटेरियल को आपने सब संग्रह करके एक मटेरियल बना दिया आपके क्लास के लिए, या चाहे लैंग्वेज हो या मैथमेटिक्स हो साइंस हो, लेकिन उसका क्या एट्रिब्यूशन दे सकते हैं, शायद यही आपका डाउट है। तो अगर आप ये जो डिफरेंट तरह तरह के ओपनली लाइसेंस्ड मटेरियल आप लेके यूज़ कर रहे हो, तो कुछ उस कुछ आपने कुछ डेरिवेट नहीं किया हो, एज इज यूज़ कर रहे हो, तो वो कलेक्शन में आप हर तरह के जो इंडिविजुअल मटेरियल को आपको एट्रिब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है, और सबको मिलके अब आप एक ओपन लाइसेंस के द्वारा आप रिलीज भी कर सकते हो वो कलेक्शन को, अगर आपने कुछ मॉडिफाई नहीं किया हो। फॉर एग्जाम्पल, वो कलेक्शन में आपने CC BY SA का कुछ इस्तेमाल किया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कलेक्शन में पूरा कलेक्शन को एंटायरली आप CC BY SA ही देना पड़ता है। अगर CC BY SA हो, अगर कई तरह के CC BY का इमेजेस भी आपने इसमें कलेक्शन में यूज़ किया है, लेकिन CC BY SA का जो मटेरियल है, जो संसाधन है आप यूज़ कर रहे हो, उसको आपने क्योंकि वो एसे है, तो फिर आप कुछ उसको रिमिक्स भी कर सकते हो, लेकिन रिमिक्स करके कुछ नया जो बनाया है उसका एट्रिब्यूशन होगा फिर CC BY SA ही होगा। लेकिन ये जो कलेक्शन में आप यूज़ कर रहे हो, तो आप कोई भी ओपन लाइसेंस उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में, शेयर अलाइक लाइसेंस के बारे में तो बहुत कुछ जानकारी होना ज़रूरी है। ऐसे जो अभी चल रहा है, ऐसे OER के बारे में एडवोकेसी, बहुत लाइसेंसेस के बारे में एडवोकेसी बहुत ज़रूरी है। ऐसे CC BY SA 4.0 जो होता है, उसके वो लाइसेंस डीड अगर आप पढ़े तो क्रिएटिव कॉमन्स में जाके वो ऐसा हमको बताई देता है कि जो भी आप यूज़ कर रहे हो, नया कुछ बना रहे हो, तो शेयर लाइसेंस अगर आपने देखा है, तो कोई भी नया, कोई भी एडिट जो किया है आपने, क्या एडिट्स किया हुआ है, क्या नया कुछ डाल रहे हो आप, कुछ नया क्या बन रहा है वो लाइसेंस, वो संसाधन को, वो आपको सब जानकारी उसमें देना पड़ता है। तो ऐसा है, कलेक्शन में आप कई तरह के ओपनली लाइसेंस्ड मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, और एक ओपन लाइसेंस उसको दे सकते हैं। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस चूज़र करके एक, आपको पिछले 4 दिन में इसके बारे में भी बात किए गए होंगे कि कैसे लाइसेंस चूज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस के बारे में या OER के बारे में बहुत कुछ मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके क्रिएटिव कॉमन्स वेबसाइट में ही आप पढ़ सकते हो ये सब लाइसेंस डीड्स क्या है, क्या जानकारी हमको देते हैं, और OER इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब की जानकारी भी होगी। तो चलिए अभी हम देखेंगे दीक्षा प्लेटफॉर्म पहले, और उसके बाद हम OER कॉमन्स को भी देखेंगे, और विकी जूनियर बुक्स को भी देखेंगे, और डिफरेंट लाइसेंसेस किस तरह के साथ वहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, और उसको आप कैसे आपके क्लास में यूज़ कर सकते हैं वो भी देख लेंगे। पहले हम देखेंगे दीक्षा प्लेटफॉर्म जो हम शेयर कर रहे हैं अभी। अभी हम ये दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है, हम सबको पता है कि उसके बारे में, कि उसमें क्या क्या संसाधन हमको मिलते हैं। डिजिटल टेक्स्ट बुक्स भी होते हैं, कुछ कुछ क्लासेस होते हैं, एंटायर कोर्सेस भी हमको मौजूद होता है। जैसे कि अभी हम diksha.gov.in में हैं, अगर आप नीचे जाके देखें तो यहाँ पे टर्म्स एंड प्राइवेसी में यहाँ पे अच्छे से लिखे गए हैं, ऑल कंटेंट हियर इज लाइसेंस्ड अंडर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस अनलेस अदरवाइज नोटेड। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ कलेक्शन, यानी कि ये साइट में जो मटेरियल है वो आप CC BY लाइसेंस के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक लाइन उसने लिखा है, एक फ्रेज यहाँ पे लिखा है, अनलेस अदरवाइज नोटेड। इसके बारे में अभी अभी हम देखेंगे कि अगर आप कुछ टेक्स्ट ढूंढ रहे हो, कुछ
कुछ आपको मिल गया है, लेकिन वहाँ पे वो लोग दिए गए हैं ओपन लाइसेंस, दूसरे तरह का ओपन लाइसेंस हो, तो वो अगर आप वो उपकरण को आप यूज़ कर रहे हो तो जो लाइसेंस वहाँ पे मौजूद है वो यूज़ करना पड़ता है, लेकिन अगर कुछ लाइसेंस नहीं दिया गया है तो एंटायर कॉन्टेंट CRR विद CC BY लाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखेंगे कुछ CBSE के हिंदी मीडियम के कुछ क्लास 8 का कुछ टेक्स्ट बुक्स हो, तो हम एक कुछ पेरेंट हैंडबुक कुछ है, ये क्रेडिट्स और लाइसेंस इंफॉर्मेशन राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है CC BY 4.0। ये जो CC BY 4.0, इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आप इसको लाइसेंस में क्लिक करके क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस डीड को आप पढ़ सकते हैं, वो लीगल कोड क्या होता है वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमको अभी अब पिछले 4 दिन से आप इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी की गई है, CC BY के बारे में भी आपको जानकारी की गई है, कोई भी मटेरियल हो विद CC BY के साथ अगर अवेलेबल हो तो उसको आप रिमिक्स करके कुछ नया भी बन सकते हो, लेकिन एट्रिब्यूशन देना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए ये दीक्षा के प्लेटफॉर्म है, अगर OER पहले हम देखेंगे विकी जूनियर बुक्स में जाएंगे, ये जो है विकी जूनियर, विकी बुक्स जूनियर है, विकी जूनियर आप सर्च कर सकते हो, विकी जूनियर यहाँ पे जो है बहुत सारे बुक्स है जो जैसे कि ये किड्स को ग्रेट बुक्स फॉर यू टू रीड फॉर ऑल फॉर किड्स है, यहाँ पर ये नेचुरल वर्ल्ड है, डिस्कवरी और इनोवेशन के बारे में, ज्योग्राफी है और ज्योमेट्री फॉर एलिमेंट्री स्कूल है, अल्फ़ाबेट है, प्री रीडर्स को अल्फ़ाबेट भी है, अगर हम यहाँ पर एनिमल अल्फ़ाबेट करके कुछ है, ऑब्जेक्ट अल्फ़ाबेट है, यहाँ हम क्लिक करेंगे एनिमल अल्फ़ाबेट को, वो देखेंगे कि इसका, देखिए यहाँ पे इसका डाउनलोडेबल वीडियो भी है और इसके बारे में इन्फो अगर हम जानना चाहते हैं उसका लाइसेंस क्या है वो इन्फो में अगर हम क्लिक किए तो यहाँ पर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है जो है एक वीडियो में, और यहाँ लाइसेंस के बारे में, दिस फाइल इज लाइसेंस्ड अंडर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक 3.0। अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं तो इसको फ्रीली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये इसको अडाप्ट करके कुछ रिमिक्स कुछ नया बना सकते हैं, लेकिन आपको एट्रिब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है और फिर इसको शेयर अलाइक लाइसेंस के साथ ही नए वर्क को रिलीज़ करना होगा। जैसे विकी जूनियर अभी हम देखे हैं और एक है कॉल कॉमन्स जो हम बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का कॉल कॉमन्स का फ्री कोर्सेज यहाँ पे callcommons.org में जाके आप देख सकते हैं ऐसे फ्री कोर्सेज। और एक है फैट सिमुलेशंस के बारे में, ये जो फैट सिमुलेशंस है तरह तरह के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अर्थ साइंस और बायोलॉजी के सिमुलेशंस है, जैसे हम बोल रहे थे कुछ उत्साही कुछ OER एडवोकेट्स जो होते हैं, ये फेट कोलोराडो यूनिवर्सिटी का ये जो सिमुलेशन का साइट है fet.colorado.edu, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर भी करके आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, आप कोलैबोरेट करके इसको पीयर रिव्यू भी कर सकते हैं। ये जो केंद्र है परिवर्तनशीलता के बारे में मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स जो है, और अंकों का खेल करके और अच्छा एक सिमुलेशन है। अगर हम ये सिमुलेशन को देखा जाए तो इसका लाइसेंस क्या होता है, ये जो एक रिपोजिटरी का एग्जाम्पल है जो हम देख रहे हैं आज, ये OER का संग्रह कोश जो डेटा संग्रह कोश जो होता है, OER के भंडार जो होता है, ये रिपोजिटरी में कैसे एक तरह के पूरे अनेक तरह के मटेरियल OER ओपनली लाइसेंस्ड मटेरियल जो है ये हमको उपलब्ध है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर ये सिमुलेशंस को आप प्ले करके भी देख सकते हो, इसके ट्रांसलेशंस का है, टीचिंग रिसोर्सेस है, ये इसको कैसे इस्तेमाल, टीचर कैसे इस्तेमाल कर सकता है ये उपकरण को, वो भी गाइडलाइंस दिया गया है। और यहाँ हम क्रेडिट्स को देखेंगे तो यहाँ पर पूरा क्रेडिट्स दिया गया है, इसके बारे में कैसे यूज करते हैं, लाइसेंसिंग के अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरा फेट सिमुलेशंस कौन से लाइसेंस के साथ हमको उपलब्ध है वो सब हमको जानकारी होता है। ये अगर ये ऑल सिमुलेशंस अवेलेबल इन फेट कोलोराडो EDU आर OER प्रोवाइडेड अंडर Creative Commons CC BY।
अगर आप यूज़ कर रहे हो इसको, अगर आप यूज़ कर रहे हो कोई भी सिमुलेशंस को, अगर आप यूज़ कर रहे हो आपके क्लास में, तो आपको ये जो क्रेडिट देना है, कैसे देना है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है टैसल फॉर्म में, टाइटल होगा और कौन आथर होगा, उसका जो लाइसेंस डीड है, सोर्स कहाँ से लिया गया है, ये सब हमको यहाँ पर पता चल जाता है। और एक है मेडलॉट, ये जो स्मार्ट खोज जो होता है मेडलॉट में, आप बहुत तरह तरह के शैक्षिक साधनों को, ओपनली लाइसेंसेड साधन यहाँ पे मिलता है, ये medlot.org में आप सर्च कर सकते हैं। हम देखेंगे अभी OER कॉमन्स, ये जो प्लेटफॉर्म, जैसे मेडलॉट भी एक जैसा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जैसा आप निर्माण भी कर सकते हो, OER का सहयोग करके निर्माण भी कर सकता है। OER कॉमन्स में ऐसे रिपोजिटरीज बहुत कुछ है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के द्वारा कुछ ही ले रहे थे। चलिए OER कॉमन्स में देखेंगे हम, यहाँ पे कुछ हिंदी में कुछ है क्या, हम ढूंढेंगे हिंदी का कुछ बेसिक हिंदी टेक्स्ट बुक हो, इसका कोई जानकारी हमको मिल सकता है वो OER कॉमन्स में। और एक अच्छे तरह के जैसे बेसिक हिंदी करके ये जो टेक्स्ट बुक है यहाँ हमको मिल रहा है, ये आप देख सकते हो, इसको देखते ही हमको पता चल जाएगा कि ये क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन रिक्वायर्ड है, लेकिन आप रिमिक्स करके कुछ नया भी ये टेक्स्ट बुक को यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉन कमर्शियल पर्पस ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये ओपन टेक्स्ट बुक जहाँ यहाँ पे मिल रहा है। और एक खासियत ये है कि OER कॉमन्स के यहाँ पे जो ग्रुप्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं इधर, जहाँ आप जाके आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं यहाँ पर, वहाँ पे जाके आप सहयोग करके कुछ नया भी बिल्ड कर सकते हो। नहीं तो आप, आपके स्कूल के जो लोग हैं, अब एक हब बना के, वो ग्रुप बना के, जो जो उपकरण है OER है आपको उपयोग कर सकते हो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो सब वो ग्रुप में आप डाल के एक हब जैसा आप बना के इसमें आप सारे टीचर्स के साथ एक खोज में, ये संग्रह में आप शेयर भी कर सकते हो। जैसे कि ये इसके बारे में, अगर OER कॉमन्स के बारे में अगर हम और कुछ को, अगर आप और कुछ अन्वेषण करना चाहते हो, तो और कुछ सर्च करना चाहते हो, जैसा मटेरियल्स रहते हैं तरह तरह के होते हैं, खाली पढ़ने का कोई पाठ्यक्रम हो या कोई पाठ्यांश हो या कोई टेक्स्ट बुक हो या स्ट्रीमिंग वीडियो ही नहीं, बल्कि असेसमेंट्स भी होते हैं, कभी कभी लेसन प्लान भी हो सकता है, या कोई फुल कोर्स भी हो सकता है, या कभी कभी लेक्चर नोट्स भी आपको मिल सकता है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी भी है, ये ग्रेड्स है, एजुकेशन लेवल के साथ, सब्जेक्ट एरिया के साथ, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के साथ आप ढूंढ सकते हो। और एक भी बात यह है कि लाइसेंस टाइप्स जो है ये अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, यानी कि अगर पब्लिक डोमेन में जो है वो भी आप ढूंढ सकते हो। और कंडीशनल रिमिक्स, यानी कि अभी अभी हमने देखा है CC BY NC का हमने देखा है, यानी कि क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन नॉन कमर्शियल, ऐसे भी लाइसेंस के दौरान भी आप इसको सर्च को कुछ डिस्कवरेबिलिटी ज़्यादा कर सकते हो अगर आप ऐसे फिल्टर्स यूज़ करके सर्च करेंगे। सो ये है OER कॉमन्स के संग्रह है। तो अभी हम फिर से जाएंगे एक बार PPT में, जो OER के कॉमन्स का एग्जाम्पल जो है हमने अभी देखा है, ग्रुप्स में जाके आप कैसे शामिल हो सकते हैं, वो सब आप लॉगिन करके देख भी सकते हो। ये जो OER जो है, अगर कोई उपयोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे हमको ये मल्टीपल फॉर्मेट्स में ऐसा जो हमको यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ होता है बोले तो, जैसे कि विविध समावेशी कक्षाओं में, यानी कि एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को एड्रेस करने में भी OER बहुत हमको सहयोग देता है। कैसे कि आपको मिलता है ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, खाली टेक्स्ट में ही नहीं, ऑडियो बल्कि वीडियो में भी मिलता है, और कल्चरली रिलेवेंट भी आप बना सकते हो। जैसे हमें अभी अभी हमने देखा है बेसिक हिंदी टेक्स्ट बुक किसी रचना करके वहाँ पे छोड़ा है OER ओपन लाइसेंस के साथ, अगर आपको वो
आपके छात्रों को आपके स्टेट में अगर आप रिलेवेंट एग्जाम्पल्स दे के आपको फिर से आपको रचना करके फिर आपको वही लाइसेंस के साथ ओपन लाइसेंस के साथ रिलीज करना हो तो आप ऐसे इस्तेमाल भी कर सकते हो। आज की अगर अभी ज़रूरत बात ये है कि नीड ऑफ द आवर ये है कि हम सबको ओईआर एडवोकेट बनना है, ओईआर को निर्माण भी करना है, खोजना है, सहयोग करके निर्माण करना है, वो एक अच्छी बात होता है। और एक्सेसिबल करना है सबको, यानी कि अगर दिव्यांगन यूज़ कर रहे हैं ऐसे कोई ओपन एजुकेशनल रिसोर्स को तो भी उन लोगों को भी उपयोग होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं ये दीक्षा प्लेटफॉर्म में भी कुछ वीडियोस होते हैं साइन लैंग्वेजेस के साथ और उसका कैप्शंस के साथ और उसका सबटाइटल के साथ ट्रांसक्रिप्ट के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। जो आपने कभी अगर आपने कुछ ओईआर बन के छोड़ना चाहते हैं ओपन लाइसेंस के साथ, कोई भी वीडियो है जो अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप में इंटरेस्ट है ओईआर ओपन लाइसेंस के साथ आपके जो पाठ्यक्रम है अगर आपको शेयर करना है, तो पहली बात यह है कि आपको जाके खोजना है अगर सेम ऐसे ही वाले कंटेंट अगर अवेलेबल है तो, नहीं आपको ऐसा वाला कंटेंट, क्योंकि वो डिजिटल डंप बन जाएगा। अगर वो उसकी ज़रूरत है आपके जैसे बहुत टीचर्स इसको यूज़ करेंगे तब जाके उसको आप रिलीज़ करिए ओपन लाइसेंस के साथ। चलिए, तो इसके बारे में, ये रिपोजिटरी के बारे में आपको जानकारी की गई है तो आप जाके उसको अन्वेषण करिए, सहयोग करिए। अगर वो ये जो कम्युनिटीज जो होते हैं उसमें आप जाके शामिल हो जाइए ओईआर के बारे में, और कुछ जानकारी लेके और कैसे बना सकते हैं इंडिया में ओईआर का ये जो मूवमेंट है और आगे लेके जाएंगे। खाली ये शैक्षिक का ही काम नहीं है, आप इन्वॉल्व कर सकते हैं आपको स्टूडेंट्स को भी ये मूवमेंट में। ये कैसा है, वो ये आर लेट स्टूडेंट मूवमेंट्स बहुत सारे हैं कोने कोने में दुनिया में इसके साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे कि छात्रों को इसमें शामिल कर रहे हैं। जैसे कि आप असाइनमेंट देते हो तो वो असाइनमेंट रिन्यूएबल असाइनमेंट दे दीजिए, जहाँ ये वो ये रिपोजिटरी में जाके वो ये ग्रुप बन के एक जो इंग्लिश में जो अवेलेबल है उसको कुछ ट्रांसलेट करके कुछ नया बनाने का तरीका आपके हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को दे दीजिए। अगर 5th क्लास का कुछ मटेरियल आपको मिला है बहुत अच्छा है, 9th क्लास स्टूडेंट्स के साथ वो उसको कुछ नया बना के कुछ ऐड करके कुछ रिमिक्स करके कुछ जो उपयोग जो हो सकता है बाकी टीचर्स को उसके साथ बना दीजिए। तो ऐसा छात्रों को भी विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल करके ये ओईआर मोमेंट को आगे आप ले सकते हो। ये डेविड वेलक का कोट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो यार ना केवल शैक्षिक संसाधनों तक निःशुल्क पहुंच है, ये खाली वही नहीं है, ये बहुत कुछ है। ये हम प्रो पर्सनल बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हमको कुछ इनोवेट करने का चांस देता है, कुछ कस्टमाइज करके कुछ नया कुछ क्रिएट करने के मौका देता है। खाली शैक्षिकों का नहीं, खाली स्टूडेंट्स को भी, कुछ औत्साहिक लोगों को भी ये जो मौका देता है वो यार। तो इसके साथ यहाँ पे हम स्टॉप करना चाहते हैं। अगर जानना चाहते हैं जी, अगर कुछ क्वेश्चंस है ये हमारे व्यूअर्स के साथ हम आंसर बिल्कुल करना मैम, चाहते हैं। मैम कुछ हमारे सवाल भी हैं, जैसे हम जानना चाहेंगे जब हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो किन अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं जिन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है। सॉरी, योर क्वेश्चन इज कोई भी अवेलेबल हो जी, जो उसको हम जानना एक्सेस। चाहेंगे कि जब हम विभिन्न विषयों की बात करते हैं, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो या कोई और भाषा हो, तो क्या उनके हाँ लिए भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं? हाँ वो अभी नहीं है तो हमारी ऊपर है ये सब, वो काम हमको उसको अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। जैसे कि हम देखेंगे वर्ल्ड लैंग्वेजेस के, अगर फ्रेंच में देखेंगे तो बहुत सारे अभी अवेलेबल, स्वाहिली में भी अभी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो, हम जुड़ के उसको बना रहे हैं। हिंदी में और कोई रीजनल लैंग्वेज में बहुत कम है, वो बहुत कम है जो इसके ओईआर के बारे में जानकारी है। जैसे कि इंग्लिश में अगर अवेलेबल है तो हम जाके उसको ट्रांसलेट करके फिर से वो लाइसेंस को देख के हम फिर से उसको ओपन लाइसेंस के वो कंपैटिबिलिटी देख के फिर रिलीज करके उसको हम सारी टीचर्स को
अवेलेबल कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है उसको बढ़ाना, अभी तो बहुत कम है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। बिल्कुल मैम, सुषमना मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और इस जानकारी के लिए। आज का हमारा जो सत्र है बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा और ये जो पूरी प्रशिक्षण श्रृंखला है, हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों तक भली भांति ये जानकारी पहुंच गई होगी किस तरह से ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्रिएट किए जा सकते हैं, कैसे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से विभिन्न विषय हैं जिनके लिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी मुक्त शैक्षिक संसाधन जो हैं वो ईजिली अवेलेबल हैं आप सभी के लिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और जितने भी दर्शक हमारे साथ बने हुए थे हमारी इस 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला में, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आज अंतिम दिन है हमारे इस प्रशिक्षण श्रृंखला यानी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का, एक बार फिर से हम CIET की वेबसाइट की ओर रुख करते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक डेडिकेटेड वेब पेज है, मुक्त शैक्षिक संसाधन यानी OER और उनके लाइसेंस पर जुड़ी हुई ये जानकारी। हमारे इस 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला से जुड़ी हुई ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है इन 5 दिनों में। यहाँ पर एक बैनर अपलोड किया गया है ताकि आप जान सकें कि कौन कौन से विषय हैं जिनके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। और दर्शकों आपके लिए एक गतिविधि भी है जिसमें आप भाग ले सकते हैं, उसके विभिन्न चरण हैं, एक बार पूरे इन चरणों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। अपनी स्क्रीन पर ज़रूर आप इन्हें देखिए। पहला चरण है पंजीकरण, आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके या फिर इस QR कोड को स्कैन करके। हमारे विभिन्न लाइव सत्र हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, हमारे विषयों के प्रति हम जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं और दर्शकों आप भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन पाठ्यक्रम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें भाग भी ले सकते हैं, उसमें रजिस्टर ज़रूर करवा सकते हैं और सत्रोत्तर की जो गतिविधि है उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर प्रारंभ होने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप ज़रूर जुड़ें। पाठ्यक्रम का जो लिंक है वो प्रशिक्षण यानी आज के अंतिम दिन 7 बजे तक आज ये इवेंट्स पेज पर अपडेट कर दिया जाएगा। ये पाठ्यक्रम 30 मार्च 2025 तक चलेगा और दर्शकों पाठ्यक्रम में शामिल आप ज़रूर हों। ये 5 वीडियोज़ को देखिए, अंतिम मूल्यांकन में आप भाग लें और आप 3 बार इस मूल्यांकन की प्रक्रिया में इसका प्रयास कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। और यदि आप इस अंतिम मूल्यांकन में 70% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आप सभी एक सर्टिफिकेट अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने दीक्षा प्रोफाइल पृष्ठ से ही अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 15 से 20 दिन का समय लग सकता है और अपनी प्रतिक्रियाएं आप ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिए। हम हमेशा आपसे कहते हैं आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरिए। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म आपके लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा और वहाँ पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस QR कोड को भी स्कैन करके आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही आप जानते हैं हमारी आधिकारिक ईमेल ID training.helpdesk@CIET.NIC.IN और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। हमारी इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण श्रृंखला में बहुत सारे रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे बहुत से विशेषज्ञ बने थे, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपके सवाल थे हमने पूरी कोशिश की है कि उनके जवाब हम आप तक पहुँचाएँ, लेकिन यदि ऐसे कोई भी प्रश्न हैं जिनके सवाल जो सवालों के जवाब अभी भी आपको नहीं मिल पाए हैं तो आप हमेशा हमारी वीडियोज़ के कॉमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न लिख सकते हैं, हम उनके जवाब आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हमारे हर कार्यक्रम में हम ये कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं। साथ ही प्रशिक्षण श्रृंखला से जुड़ी हुई जो आधिकारिक ईमेल आईडी है training.helpdesk@CIET.NIC.IN इसके ज़रिए भी आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं। तो दर्शकों अपने इस 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला के इस 5वें दिन के सत्र को हमें यहीं पर समाप्त करना होगा, पर हम कुछ ही समय में फिर से हाजिर होंगे सहयोग का एक कार्यक्रम लेकर। तो सहयोग का हमारा ये जो कार्यक्रम है ये रहेगा एक खास विषय पर जिसका नाम है बियॉन्ड द स्क्रीन फाइंडिंग अ बैलेंस इन द टेक ड्रिवन वर्ल्ड, कि किस तरह से आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं इस डिजिटल वर्ल्ड में। तो इसी पर और जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे हमारे पैनलिस्ट। आप बने रहिए ई विद्या चैनल्स के साथ। नमस्कार।